देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही टेस्टी टमाटर का अचार बनाया है। ये सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के 2 से 3 महीने तक फ्रिज में रख के यूज कर सकती हैं और ये बहुत ही यार टेस्टी लगता है खाने में। जब भी आपको सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा है तो झटपट से आप ये बना के खा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 500 ग्राम टमाटर लिए हैं। टमाटर हमें अच्छी क्वालिटी के ही लेने हैं और ध्यान रहे कि टमाटरों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। धोने के बाद इनको अच्छे से सुखा लें। और अब हम टमाटरों को कट करेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम सारे टमाटरों को कट कर लेते हैं। और ये मैंने सारे टमाटरों को अच्छे से काट लिया है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 1 चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देते हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है तो हमने जो टमाटर लिए हैं उनको इसमें डाल देते हैं और इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। और इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। अचार में नमक ज़्यादा डलता है तो बाकी का नमक हम बाद में डालेंगे। अभी हमें फिलहाल इसलिए डाला है 1/2 चम्मच नमक ताकि टमाटर जल्दी से इसमें गल जाएं। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और टमाटरों को हम जब तक पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो अब हम इनको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। और 5 मिनट के बाद अब हम टमाटरों को चेक कर लेते हैं और आप देख सकती हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम इनको फिर से 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। और 5 मिनट के बाद अब हम टमाटरों को फिर से चेक करेंगे और इनको अच्छे से इस तरह से मैश कर देंगे। और टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और टमाटरों को अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। और ये टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अब हम इनको पीस लेंगे और इनको हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। और बिना पानी डाले हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। हमें इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब हम जार का ढक्कन बंद करके इसको अच्छे से दरदरा सा पीस लेते हैं। और ये मैंने टमाटरों को थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 4 चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अगर आपके पास सरसों का ऑयल नहीं है तो आप इसमें तिल का तेल भी यूज कर सकती हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम 1/2 चम्मच राई डालेंगे, 1/2 चम्मच कलौंजी डालेंगे आधी चम्मच मेथी दाना और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। और इन सभी चीजों को अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और ये मैंने यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिनको मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। ये इसमें डाल देते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है, अगर आप लहसुन नहीं खाती हैं तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। और इसको भी हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। ये लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हम इसमें ये टमाटरों का पेस्ट डाल देते हैं जो हमने भी टमाटरों को पीसा था। और इनको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हिसाब से डालें क्योंकि हमने 1/2 चम्मच नमक पहले भी डाल दिया है, यानी कि टोटल मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक का यूज किया है।
और इन सब मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद और अब हम इसमें 2 चम्मच विनेगर डाल देंगे, यानी कि सिरका डालेंगे। आप विनेगर की जगह पर इसमें इमली का पेस्ट भी डाल सकती हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम टमाटर और मसालों को जब तक पकाएंगे जब तक इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ना दिखने लगे, जब तक हम अचार को पका लेंगे। तो हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है। और ये हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। आप देख सकती हैं टमाटरों के ऊपर ऑयल दिख रहा है, यानी कि अच्छे से बनके तैयार हो गया है। और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और अचार को एक बाउल में निकाल लेते हैं। और ये हमारा टमाटर का अचार बनके तैयार है। और आपने देखा इसको बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के 2 से 3 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख के यूज कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।